की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम है छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। नमस्कार, आ गए हैं हम फिर एक बार। आइए करते हैं शुरू कार्यक्रम ना करते और देर हम। दोस्त हो तो ऐसा जो हर गलत काम से पहले मारे हाथ, बताए हमेशा सही बात, जो तरफ करता हुए ना हिचकिचाए, हम अपनी गलतियां दिखाए, अंक हमेशा अच्छे लाए, हर दम हमें खुश रखना चाहे। जिसने जीवन में ना कभी गलत काम किए, काश हमारी अच्छे दोस्त सदियों तक जिए। धन्यवाद। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार। यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में, अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार। महबूब वो पलकों पे जो रखे तुझे, महबूब वो जिसकी वफा तेरे लिए हो, अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। हमारे दोस्त कृदे ने कितना अच्छा गाना सुनाया ना। हाँ बहुत अच्छा गाना सुनाया। और कृदे के ही जैसे हमारे साथ और भी दोस्त हैं जो हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी अच्छी चुटकुले लाते हैं, तो क्यों ना हम उनको अब बारी देते हैं कि आप अपनी प्रस्तुति कीजिए। पता है अगर लाइफ में दोस्त ना हो तो लाइफ का मजा ही क्या है, क्योंकि लाइफ में हाफ पार्ट तो दोस्तों का होता है। जब हम रोते हैं तब उसी के साथ हमारे दोस्त भी रोते हैं, और जब हम खुश होते हैं तब हमारे दोस्त भी खुश होते हैं। घर में मस्ती से स्कूल में मस्ती तक हर जगह दोस्त तो बीच में ज़रूर ही आ जाते हैं, और हमारे दोस्त हमेशा साथ देते हैं। और पता है सबसे बड़े दोस्त कौन होते हैं?
हाँ, पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े दोस्त होते हैं। वही तो हमारे पहले दोस्त होते हैं। हाँ, उनके साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है पेरेंट्स के साथ हमारे और भी दोस्त होते हैं, जैसे कि भाई और बहन। वो तो है ही, वो तो कुछ भी हो उनके साथ तो मस्ती वाली चीजें भी शेयर करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, मेरा एक भाई भी है, उसके साथ भी मैं बहुत मस्ती करती हूँ। मेरी तो बहन भी है, मैं उसे बहुत तंग करता हूँ घर में। तो तुमसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। और क्या, तुम हमें भी बहुत परेशान करते हो। अरे तो क्या हो गया, दोस्त तो हो ही ना तुम हमारे। दोस्तों को परेशान ना करो तो मजा ही नहीं आता। तो देखो, दोस्ती की बात चल रही है और हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़ चुके हैं जो हमें कुछ सुनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम रोमित है। तो आज आप क्या सुनाने आए हैं? मैं कविता सुनाने आया हूँ। तो सुनाओ फिर। माता पिता ईश्वर की वो सौगात है, जा हमारे जीवन की अमृत धार है। आपसे ही हमारी एक पहचान है, वरना हम तो इस दुनिया से अनजान थे। वाओ। अरे वाह, हमारे दोस्त ने तो हमें इतनी अच्छी कविता सुनाई। अब हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़ चुके हैं जो हमें कुछ सुनाना चाहते हैं। तो दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिलिंद है। आज हमें क्या सुनाने आए हो? मैं आपको दोस्ती पर जानकारी बताने आया हूँ। तो सुनाइए। दोस्ती एक अनमोल ताज है जिस पर दोस्तों को नाज है। श्री कृष्ण और सुदामा जी को देखकर पता चलता है कि सिर्फ हम ही नहीं, ईश्वर भी दोस्तों का मोहताज है। और इसी खूबसूरत रिश्ते को मनाने के लिए मनाते हैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, ताकि हम अपने रिश्तों को मजबूत करके लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ें। अरे वाह, हमारे दोस्त ने तो हमें इतनी अच्छी जानकारी बताई है। वैसे एक चीज पता है, हर साल पेरेंट्स डे की कुछ थीम होती है, और इस साल की थीम कोई जानता है? मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। इस साल की थीम है कि हमें अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना है, उनको कुछ खिला के अपने हाथों से। तो तुम क्या खिलाने वाली हो? पहले तुम बताओ तुम क्या बनाने वाले हो। मैं तो अपनी मम्मी को उनकी फेवरेट चीज आइसक्रीम खिलाना चाहूंगा। अच्छा दोस्तों, मैंने ना कुछ सवाल तैयार करे हैं, क्योंकि आप सभी की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आपको अपने माता पिता के बारे में तो जानकारी होगी। वो तो होती है। अच्छा तो अभी देखते हैं ना, मैंने आप सभी के लिए कुछ प्रश्न तैयार करे हैं। क्या तुम सब तैयार हो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? मैं तो हमेशा से तैयार रहता हूँ। और क्या, जो भी पूछना है। अच्छा, ये रहा मेरा पहला सवाल कि तुम्हारे पापा का पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरे पापा तो कुछ भी खा लेते हैं, उनका तो सभी फेवरेट है। मैं बताऊँ? हाँ हाँ बताओ। मेरे पापा को वैसे तो सबसे ज्यादा दाल पसंद है, दाल मखनी। अरे वाह। और तुम्हें पता है मेरे पापा को तो मेरा ही फेवरेट पसंद है, राजमा चावल। अरे वाह, तुम सभी को तो अपने पापा के पसंदीदा खाने के बारे में तो पता ही है। चलो ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न कि तुम्हारी मम्मी का फेवरेट कलर कौन सा है? मेरी मम्मी का फेवरेट कलर तो ब्लैक और रेड है। मेरी मम्मी का फेवरेट कलर तो रॉयल ब्लू है। मेरी मम्मा का फेवरेट कलर तो इंडिगो है। मेरी मम्मी का फेवरेट पिंक है। वो तो घर जाके ही पता चलेगा। अच्छा चलो मेरा तीसरा सवाल, तुम्हारी मम्मी का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? मेरी मम्मी का तो शिमला है। मेरी मम्मा का तो जहाँ भी स्नो मिल जाए ना वो फेवरेट प्लेस हो जाती है। और मेरी मम्मी का तो मनाली ही पसंद है। वैसे तुम हमसे पूछ रही हो, पर तुम्हारी मम्मी का क्या फेवरेट है? मेरी मम्मी का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस तो गढ़वाल है, गढ़वाल उत्तराखंड। तुम्हारे लिए चौथा प्रश्न, तुम्हारे पापा का फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे पापा को तो सबसे ज्यादा ओल्ड एवरग्रीन म्यूजिक ही पसंद है, किसी के भी सुन लेते हैं। मेरे पापा को भी वही पसंद है। मेरे पापा को तो ओल्ड म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। वो क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। मेरे पापा को ये तुम्हारे पापा को तो बताना पड़ेगा, फिर पता नहीं घर जाके क्या होगा तुम्हारा। और तुम्हें पता है मेरे पापा तो जो ओल्ड म्यूजिक है ना वो तो कीबोर्ड पर प्ले भी करते हैं। सुनो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा का कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? हाँ हाँ, मैं जब भी मेरे पापा के लिए ये सॉन्ग गाती हूँ तब पापा को तो ये बहुत पसंद आता है। कौन सा गीत? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा
मीठी बातों से वो सबको हंसाता है। एक दूसरे की जान है, इनका प्यार यहाँ की शान है। हो प्यारी अदाओं से वो दिल बहलाता है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यार पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। पापा, तेरे पापा। तभी तो कहलाते हैं हम छोटे नवाब। अरे ये कौन आ गया? अरे ये तो टाइगर आ गया। हाँ ये तो टाइगर की आवाज है। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा टाइगर जैसा डैशिंग दिखने वाला और खतरनाक दोस्त शुभांकर है। ओहो, खुद की तारीफ। अब तुम कर नहीं रहे हो तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अच्छा, और जानते हो जुलाई 29 को इंटरनेशनल टाइगर्स डे। ओ वाओ, पर वो मनाया क्यों जाता है? क्योंकि उस दिन मैं पैदा हुआ था। अच्छा। नहीं भाई, ये सबसे पहला 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट रशिया में बनाया गया था, जब टाइगर्स इंडेंजर्ड हो रहे थे टाइगर इंडेंजरमेंट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और तुम्हें पता है कि अब सिर्फ 3,900 टाइगर्स रह गए हैं और 95% डेड हो चुके हैं। और पता है तुम लोगों को 2050 तक टाइगर्स इंस्टिंक्ट हो सकते हैं। हाँ हाँ, पर अभी धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़ने लगे हैं। जैसे 2014 में 2,226 टाइगर्स थे इंडिया में, और 2018 में 2,967 हो गए। मतलब नंबर तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना दोस्तों। हाँ, और 2022 में अभी 3,900 टाइगर्स हैं। और जानते हो 2018 में मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला था टाइगर स्टेट या फिर टाइगर होम का। हाँ, शायद क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। हाँ, और इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन है। मतलब इंडिया टाइगरों की संख्या में सबसे आगे है, और हम भी तो टाइगर है। हाँ, और हाँ। क्या। अच्छा चलो दोस्तों, आज तो मुझे बहुत मजा आया आप सभी से मिलके। हाँ हाँ, हमें भी बहुत मजा आया। और मजा तो बरकरार रहेगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ना। हाँ, और हाँ, क्या। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे आप सभी से, सेम फ्रिक्वेंसी पे, सेम टाइमिंग पे। तब तक के लिए गुड बाय बाय। मस्ती की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम है छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार।